और बैठक में बहुत सारे मुद्दे भी उठाए गए, काफ़ी देर तक चली। क्या बैठक का क्या निष्कर्ष निकला? कि बैठक का निष्कर्ष इस तरह से निकलता है कि ढेर सारे मुद्दों पर, जनपद के विकास के मुद्दों पर हम लोग चर्चा करते हैं। जितने भी राज्य सरकार की योजनाएं चल रही हैं कि उसको जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट विभाग के अधिकारी हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या लक्ष्य है, क्या प्रगति है, उस पर चर्चा करते हैं, उनको जल्दी से जल्दी उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निर्देशित करते हैं। और तमाम जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंटों की कोई कमियां हैं, कोई किसी तरह का काम रह गया है जो ज़रूरी है, वो इंगित करते हैं और उसको निर्देशित किया जाता है कि उसको पूरा करके अगली मीटिंग में लाएं। मुद्दे बहुत ऐसे उठे हैं जिसमें भ्रष्टाचार की बातें भी आई हैं, जनप्रतिनिधियों की शिकायत है कि उनके काम में मतलब भ्रष्टाचार, मतलब कमीशन मांगा जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या इन ऐसी शिकायतों का भी कोई हल निकला? आप जो सवाल पूछते हैं, हल निकला, हल ऐसे एक मिनट में ऐसे नहीं निकलता है। आप बाजार में जा रहे हैं, अभी टूथपेस्ट की ज़रूरत है और टूथपेस्ट खरीद के ले आए, हल निकल गया। फिर जो भी मुद्दे हैं, चाहे भ्रष्टाचार के हों, चाहे समस्याएं हों, सड़क है, बिजली है, पानी है, स्वच्छ अभियान है, विधवा पेंशन है, वृद्धा, जो भी मुद्दे होते हैं उस पर चर्चा करते हैं और आगे अधिकारियों को तेजी से काम करने के लिए निर्देशित करते हैं। और अगली मीटिंग के पहले मैं इसको देखूंगा, जो भी यहाँ पर उनको निर्देशित किया गया है जिन जिन काम करने के लिए, कि वो करके लाते हैं कि नहीं उतना, और जो नहीं लाते हैं उनको दंडित भी किया जाएगा। तो इसका हल तुरंत नहीं निकलता, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मतलब फिर भी जिम्मेदारी तो बननी चाहिए ना? अरे जिम्मेदारी तो बन रही है सबकी अलग अलग। अब आपको यहाँ कैसे इतने थोड़े से सोच समय में बताऊं कि किसकी किसकी जिम्मेदारी बनेगी। जो हम लोगों के संज्ञान में आता है उसको जो यहाँ का जिला प्रशासन है, हम निर्देशित किया जाता है कि जो भ्रष्टाचार करेगा और उसकी शिकायत आएगी तो जिला प्रशासन पुलिस उसकी जाँच करेगी और उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। ठीक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी।